दोस्तों, मैं रामलखन मीणा और मेरे YouTube चैनल हर्षित मीणा ब्लॉग्स पे आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आई ड्रॉप के बारे में। इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से उचित तरीके से हम आई ड्रॉप आई में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं उसके बारे में, और दूसरा उसका पर्पज जानेंगे और उसका हम तरीका जानेंगे उसका किस प्रकार से हम आई ड्रॉप डालेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका हम यूज कब कब करेंगे। आई को कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए करेंगे, हमारी आई पीपल को। दूसरा रहेगा हमारी जो आई है उसको डायलेट करने के लिए हम डालेंगे। तीसरा, यदि हमारी आँख में पेन हो रहा है तो उसको रिलीव करने के लिए हम आई ड्रॉप का यूज करेंगे। चौथा रहेगा, हमारी आँख में अगर इंफ्लामेशन हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए आई ड्रॉप का हम यूज करेंगे। आई जो हमारी ड्राइनेस हो रहा है तो उसको मॉइस्चर करने के लिए भी हम आई ड्रॉप का यूज करेंगे। तो ये हमारी आई ड्रॉप रहेगी और इसको हमें इस प्रकार से खोलना है और इसमें ये केप रहेगा, तो इसको हटा देना है और इसमें हमें जो पिन है या फिर कोई भी नुकीली चीज़ है उसमें इसमें डाल के उसको खोलना नहीं है। इसके अंदर बना रहेगा खोलने का। तो इसको हटाने के बाद में ये जो हमारा केप है उसको हम टाइट कसेंगे और उससे क्या होगा, ये हमारा आई ड्रॉप खुल जाएगा और हमें इस प्रकार से ये जो आल पिन आती है इनसे नहीं खोलना, नहीं तो ये हमारी जो है इन्फेक्ट हो जाएगी। आई ड्रॉप डालने से पहले इसमें एक दो बूंद हम नीचे ग्राउंड पे डाल के देखेंगे। तो इस प्रकार से ये ओपन हो गई है, अब इसका यूज कर सकते हैं। और जब भी हम यूज करेंगे हमें सबसे पहले हैंड वॉश करना है। जानेंगे हम जो आई ड्रॉप डालते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें लेंगे एक किडनी ट्रे लेंगे और एक बाउल लेंगे जिसमें स्लाइम रहेगी और उसमें कॉटन स्वैब रहेगा, और हम मेडिसिन लेंगे और अगला लेंगे हम एक गोज पीस। किडनी ट्रे रहेगी हमारी जो बाद में गोज पीस या फिर जो कॉटन स्वैब रहेगा तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए, और मेडिसिन ये हमारी आई में ड्रॉप डालने की जो मेडिसिन रहेगी, और जो गोज पीस रहेगा उसका यूज करेंगे हम हमारी आँख है उसको साफ करने के लिए, और ये अंदर से लेके बाहर की तरफ हमें आई को साफ करना है। जो कॉटन स्वैब रहेगी स्लाइम के अंदर तो उसका यूज हम करेंगे। यदि किसी पेशेंट के आई से क्रस्टेड आ रहे हैं, गीजर आ रहे हैं तो उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज करेंगे। अब हम जानेंगे स्टेप्स। हम जानेंगे जो हम इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप है उसकी स्टेप्स के बारे में, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर। इसमें फर्स्ट स्टेप रहेगी, तो इसमें हम क्या करेंगे, यदि कोई पेशेंट है उसकी आँख में क्रस्ट आ रहा है, गीजर आ रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए बॉयल वाटर में हम कॉटन को डिप करेंगे और उसको स्क्यूज करेंगे, निचोड़ लेंगे, जिससे उसमें जो पानी ज़्यादा है तो वो हट जाएगा। और उसके बाद में हम आँख को अच्छे से साफ़ करेंगे और उसकी जो आई लिड है उसको साफ़ करेंगे पोंछ के। और यदि आई लिड में क्रस्ट नहीं लगा है तो हम डायरेक्ट सेकेंड स्टेप का यूज करेंगे। जब भी हम क्रस्ट को साफ़ करेंगे तो हम अंदर से बाहर की तरफ साफ़ करेंगे और हर बार हम क्लीन सरफेस का यूज करेंगे। स्टेप टू, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे सोप से, और उसके बाद में हम जो आई ड्रॉप है उसकी बोतल लेंगे और बोतल को 30 सेकेंड तक अच्छे से सेक करेंगे जिससे कि जो कंटेंट है वो मिक्स हो जाए, और उसके बाद में उसका जो बोतल का केप है उसको हम खोलेंगे, और जो टिप है उसकी आई ड्रॉप की तो उसको हमें टच नहीं करना है, नहीं तो वो इन्फेक्ट हो जाएगी। अब स्टेप थ्री में क्या करेंगे, जिसको भी हमें आई ड्रॉप डालना है तो उसका जो हेड है उसको पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे। स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, हम आई लिड को नीचे की तरफ पुल डाउन करेंगे जिससे कि एक पॉकेट बन जाएगा और इसमें हम आई ड्रॉप को जो मेडिसिन है उसको डाल सकते हैं ड्रॉप के रूप में। स्टेप फाइव में हम क्या करेंगे, हमने जो पॉकेट बनाया था उसमें आई ड्रॉप को डाल देंगे, एक ड्रॉप उसके अंदर डाल देंगे, और यदि हमें एक्स्ट्रा आई ड्रॉप और डालेंगे तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो हमें सिर्फ एक ड्रॉप डालना है। और यदि हमें डाउट है कि जो ड्रॉप हमने डाला है वो आई में नहीं गया है तो हम एक और ड्रॉप डाल सकते हैं। स्टेप सिक्स में हम क्या करेंगे, हमने जो आई ड्रॉप डाला था तो अब आई को क्लोज कर देंगे, ये कम से कम एक मिनट के लिए क्लोज रहना चाहिए, और जो अपर आई लिड और लोअर आई लिड है और जो रूट ऑफ नोज है तो उसके जंक्शन पर हम उंगली से प्रेस कर देंगे। इससे होगा क्या, जो हमारी आई ड्रॉप है वो इवेक्यूएट होके और टीयर डक के माध्यम से नोज के अंदर नहीं जा पाएगी। स्टेप सेवन में हम क्या करेंगे, यदि ड्रॉप है वो एक्सेसिव हो गई है, बाहर की तरफ आ रही है, तो उसको हम टिश्यू पेपर के माध्यम से या गोज पीस के माध्यम से
पोंछ देंगे और आई को मसड़ना नहीं है, और यदि आई से बाहर की तरफ आंसू निकल रहे हैं तो उसको वापस आंख में नहीं डालना है। यदि हमें आई ड्रॉप है वो एक से ज़्यादा डालना है तो एक ड्रॉप डालने के बाद में दूसरा आई ड्रॉप हम 5 मिनट के बाद में डालेंगे। आई ड्रॉप डालने के बाद में यदि कोई स्वेलिंग हो रही है, आई लिड में इचिंग हो रही है, रेडनेस आ रहा है, तो हमें इमिडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और प्रोसीजर होने के बाद में हैंड वॉश करना है।